अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेश हुए और सारा लगेज को इधर उधर फेंके हैं, बाद में आके सह देंगे। अभी फुल एक्साइटमेंट हो कि फर्स्ट मुझे ज़्यारत करना है भाजा जी की। यहाँ पर आके फ्रेश हुई तो चलिए अभी हम चलते हैं सीधा। अभी लाभ भी डालिए तो चल सकते होटल में ठहरे हैं हम, देखते हैं आज ही आए फर्स्ट दिन। चलिए अब हम लोग कैसा ऐसा पसंद चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हैं, हम फाइनली पहुंच गए, आ गए हमारे ख्वाजा जी के पास। अभी लंबी सांस लूँगी मैं यहाँ पर, तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, करोड़ों का अरबों का शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे बैठे बैठे बुलाए। फाइनली दो साल के पहले मैं आई थी, अभी रमज़ान में मैं फर्स्ट बार आई हूँ। आके इतना प्यारा रौनक और यहाँ का माहौल देख के ना दिल बागबान हो गया और ख़ुशी से मैं समा नहीं सक रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा टेंशन जो भी परेशानी है मैं बेंगलुरु के अंदर ही रख के सीधा बाहर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची मेरे ख्वाजा जी के पास, तो यहाँ पर इफ्तारी हो रही थी तो उसमें हमें भी शामिल हो गए। तो उन्होंने खुद ही बुलाया, आओ बहन आप भी कुछ करो बोल के। मैं खुश नसीबी हूँ कि मैं इतने अच्छे काम में हाथ बटाई घर में करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे खुशी यहाँ पर हो गई है। तो सब लोग कौन कौन यहाँ पर हैं सब जाके कर सकते हैं, सबके वास्ते सब काम मिलता है यहाँ पर। रोज़दारान के वास्ते फ्रूट काट सकते हैं या जमा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो आए सुदिनी हमें इतना अच्छा काम मिल गया, शुक्रिया बाबा। काम करने से देख ले कि नहीं बैठना, जाके हाथ बटाना, हमें गई से क्या वास्ते है, या झाड़ने का हो गया या पोछने का हो गया, मुझे ये सब काम देंगे ना तो ज़रूर मैं अंख्यान को लगा को ये मेरी खुशनसीबी बोल के मैं करती हूँ। ऐसा नहीं बहुत लोग देख के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे ये नेकी के काम में हाथ बटाना, अब घर में रहते हमें कितना काम करते हैं, ऐसी जगह का काम मिल रहा है तो ये हमारे सर्दी जाम पूरा को काम करना। जितने भी वहाँ पर बैठे थे सब जने हाथ बटा रहे थे, कोई माउस काट रहे थे, कोई पपई काट रहे थे, कोई कलंगड़ा काट रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना ऐसे माहौल में, ऐसे टेम्पो मुझे ख्वाजा जी बुलाती हूँ बोल के मैं सोची नहीं थी। हाँ वो ख्याल में भी मैं सोची नहीं थी। मेरे ख्वाजा जी का लाखों करोड़ों का शुक्रिया, फर्स्ट अल्लाह ताला का, उसके बाद बुला लगाना उनका, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे रमज़ान के महीने में इतनी खुशनसीबी, मैं खुशनसीबी इंसान समझती हूँ अपने आप को। मैं शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज, क्योंकि मुझे इस महीना पूरा टेंशन हो गया था, मुझे कहीं जाना बोल के दिमाग ही ख़राब हो गया था, थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ गया था। तो फाइनली मैं सोच ली थी घर पे इस बार रमज़ान का खुतबा घर पे नहीं करूँगी, मैं उर्गिम को जा को ही खुतबा करती हूँ बोल के।
ऐसे ही नियत करी थी ठीक है बोल के घर पे हम लोग बात करके चुपके रह गए थे। अचानक से मुझे इतना बड़ा बुलावा, मेरे ख्वाजा जी का हुक्म मेरे ऊपर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सच्ची बोलो मैं खुश नसीबी हूँ रमजान के महीने में। वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूब रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली मैं आ पहुँची हूँ जिस जगह पे आना था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए खाजा बाबा से मिलाते हैं। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, सारा फ्रूट सब काट रहे हैं और खवाल भी हो रही है साथ साथ में। अभी नमाज भी पढ़ी हुई हूँ। यहाँ के ऐसा लग रहा है ना, दिल एकदम सुकून, जितना भी दिल में तकलीफ़ गम परेशानी जो कुछ भी था वो आंसू आ गए ना तो सारा दिल हल्का हो जाता है। नाम ही नहीं रुक रहे रोने का। बाबा को देखे तो ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप को देखे हुए। चिड़िया छो पैसा कपड़े पहले तीन सौ नंबर फोन करेंगे। अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, सब जने भी ऑलमोस्ट बैठ रहे, सभी उन उनकी जगह पकड़ लेको, वहाँ इफ्तारी कर लेको, नमाज पढ़ लेती। तो हम भी जा रहे हैं इसी में शामिल होने के लिए इफ्तारी में। कितनी अच्छी नसीब ना रमज़ान के महीने में इतने बड़े महफिल में, इतनी बड़े आलम में बैठ कर इफ्तारी करना, रोज़ा खोलना। हाँ ये खुश नसीबी नहीं तो क्या है बताइए आप भी। और इतनी अच्छी दुआ करती मगरिब के टाइम पे, माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम, हमें सचमुच ख्वाजा जी बुलाएंगे अगर कभी भी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा माहौल था, इतना प्यारा माहौल था कि मेरा दिल खुश हो गया। तो यहाँ पर रश लगाया हुआ है, कोई पानी का बॉटल जूस। आइसक्रीम
अच्छा लगता है, कोई शर्माते नहीं, कोई शर्माते नहीं महफिल में बैठ कर, कोई खजूर बांटते रहती, कोई पानी का बॉटल देते रहती, बरकते रमजान रमजान करको। आइसक्रीम भी लाके बांट रहे थे, इसलिए इतना रश हो गया है। तो क्या कर सकते, रोजदार आई ठंडा थोड़ा गले को मिल गया है तो खुश हो जाते हैं ना। तो इस तरह से लड़ को ले रहे थे। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स कितना अच्छा पैक करें, बहुत अच्छा पैकिंग का ख्याल और क्लीनिंग का ख्याल करें, माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए सुकून से इफ्तारी करते हैं, कोई किसी से गिला नहीं, कोई किसी से शिकवा नहीं, इतना सबको भी हर चीज़ मिलती है, एहतराम से इफ्तारी कराते। लेकिन अच्छा लगता है, नसीब वालों को ही नसीब होता है सब देखने के लिए। तो यहाँ का एक रूल्स है, उम्र वाले बच्चे बड़े हर इंसान भी यहाँ पर रोज़ा रहते, रोज़ा नहीं छोड़ते। अभी हमें तभी छोड़ा लेती यहाँ की आदमी रोज़ा, देखिए इतनी उम्र के उन्होंने मेरे साथ बात कर रही कान से ही बोल को, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बोल नहीं सकती, लफ्ज़ नहीं मेरे पास, मेरे ख्वाजा जी का करोड़ों का शुक्रिया। 7 बजे यहाँ पर रोज़े का टाइम, इफ्तारी का टाइम, 7 बजे इफ्तारी करको नमाज़ को खड़ जाती। यहाँ का रूल्स रेगुलेशंस, कौन कौन रोज़ा रहती नहीं रहते, और ये लोग जो इतना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है, पी के है ना दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इतना टेस्टी भी रहता है, घर में बनाए तो उतना टेस्ट नहीं रहता, उतना टेस्ट रहता है। यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते, शक्कर डाले थोड़ी सी, पानी में मिक्स करे और राइस डाले। मैं 4 दिन रहूँगी यहाँ पर, सारा जो कुछ है यहाँ पर, यहाँ का माहौल, यहाँ का कैसा कैसा रमज़ान के महीने में क्या क्या होता है, वो सब कुछ वीडियो भी बनाऊँगी, साथ साथ सबके वास्ते दुआ भी करूँगी। और मेरे ख्वाजा साहब के पास मैं सुकून से एहतराम से यहाँ पर दिल और जान से मुझे 4 दिन रहने का हुक्म हो गया, मैं 4 दिन ज़रूर से यहाँ रहती हूँ। बुलाती भी उन्होंच, भेज डालती भी उन्होंच, पूरा सारा महीने 15 दिन 8 दिन ऐसा नहीं रख लेते, जितना उन हुक्म के टाइम से बुलाती हूँ वो हुक्म से भेज भी डालती, ऐसा है यहाँ का सिस्टम। तो रमज़ान की ईद हमारी शायद ट्रेन में हो सकती है, आपको एडवांस में रमज़ान का खुतबा और रमज़ान के सारे रोज़े मुबारक हो मेरी तरफ से। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नए आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी, और कमेंट्स कीजिए मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं बोल के। अभी बहुत सारे वीडियोस हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। और नेट का भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो नेट का भी मुझे देख के ही डालना पड़ता है, कभी वीडियो डाल देते ना अपलोड नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए नए आ रहे हैं तो, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और लाइव भी आई थी दुआ के लिए, आप सबको लेंगे बोल के, लेकिन नेट थोड़ा सा वहाँ पर नहीं चल रहा था तो मैंने कट कर दिया, किसी की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी और स्क्रीन भी अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैं सोची कि अब लाइव जाना वेस्ट है बोल के मैंने कट कर दिया। इसके लिए रियली सॉरी, आप समझ सकते हैं हर जगह नेट का थोड़ा सा, जहाँ पर चुड़िया रहती हैं वहाँ पर नेट नहीं आता जल्दी, इसलिए। अब नहीं पका रही, सुबह ही पकाती हूँ, सब देख लीजिए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, वीडियो पूरे जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ के ही वीडियो आएंगे अजमेर शरीफ के। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, इतना प्यार से पूरा वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है। मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़। तो ये सारा पार्ट 2 में आएगा, जहाँ कुछ भी मैं घूमी हूँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा।
मार्केट में आए हम। आप रे मुझे तो करते ही महंगा, देखिए मट्टी मट्टी जा रही है बॉडी पे। अभी रेगिस्तान पे है हम, मट्टी इतनी प्यारी है, दिल ऐसा कर रहा है कि इसके छीते रहूँ। इसमें है ना पावा फुटे नहीं, ऐसा पावा में दल घसे तो